हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज अगेन मैं एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूँ और इस वेट लॉस को जो मैं आज बताऊंगी, इसे साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अगर इस चीज़ को आपने लेना स्टार्ट कर दिया अपनी डेली रूटीन में, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका वेट बहुत ही ओवर है वो तुरंत ही फिट होंगे, जो थोड़ा बहुत वेट कम करना चाहते हैं वो भी फिट होंगे, साथ ही साथ जो जिनको फैट की प्रॉब्लम नहीं है या जिनको फैट नहीं है वो भी अपने आप को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी डाइट के बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रख सकेंगे, यानी कि अपना वेट बढ़ने नहीं देंगे। तो इस ड्रिंक में मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो पूरी तरह से नेचुरल हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप नेचुरल चीज़ों के साथ केमिकल्स भी बताते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी केमिकल्स नहीं बताती हूँ आपकी बॉडी को लेने के लिए। तो ये ड्रिंक को साइंटिस्ट भी मानते हैं कि अगर इस ड्रिंक को आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल किया तो आपका फैट, चर्बी, मोटापा सब बहुत तेज़ी से पिघलेगा। सेकेंड चीज़, आप अगर स्लिम हो तो आपका वेट गेन नहीं होने देगा। तो अगर मैं इतनी बातें कर रही हूँ तो उसके लिए आपको फटाफट से वीडियो की तरफ चलना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, आज से मैं अपने नए चैनल पर काम करना स्टार्ट कर रही हूँ और वो जो मेरा वीडियो है वो मेकअप से रिलेटेड होगा, मेरे हेयर केयर से रिलेटेड होगा, मेरी स्किन से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ जो नए यूट्यूबर्स हैं और जो वाकई में कैरियर बनाना चाहते हैं और उनको नहीं पता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं या क्या लगते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक नीचे है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना मैं जो है कम्युनिटी पे तो शेयर करती ही रहूँगी, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले आपको पालक लेनी है और आपको थोड़ी सी हरी धनिया लेनी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 1 नींबू लेना है, और आपको लहसुन लेना है, थोड़ा सा ईसम गोल पाउडर लेना है, और आपको थोड़ा सा रोस्टेड अलसी पाउडर लेना है, और 1 टेबल स्पून जीरा लेना है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रिंक के लिए लेनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगभग आधा लीटर पानी को बॉयल करके उसमें आपको पालक डाल के उसे बॉयल करना है, पालक, हरी धनिया और जीरा डाल के उसे लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच पर आपको बॉयल करना है, जिससे कि उसके सारे एक्सट्रैक्ट उस वाटर में आ जाएं। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि पालक में बहुत सारा फाइबर होता है, तो मैं इसे अच्छे से पूरा उसमें डिप करके कि सब कुछ अंदर वाटर के चला जाए, मैं इसे, तो उसके बाद जब ये सारे एक्सट्रैक्ट इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी तैयारी करूँगी। मैं लेमन को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करूँगी और उसके बाद मैं अदरक को भी छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करूँगी, जिससे कि जब मैं इसे हॉट वाटर में डालूँ तो इसके सारे एक्सट्रैक्ट वाटर में आ जाए। मैं इन्हें नींबू को निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि नींबू में फाइबर बहुत होता है, तो मैं चाहूँगी कि इसके ग्रेन्यूल्स हमारे स्टोमैक में जाएं जो पूरी तरह से फाइबर का काम करें। तो अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखिए, लगभग सारे एक्सट्रैक्ट उस वाटर में आ रहे हैं, मतलब वाटर का कलर जो है मुझे चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो ये एक पहचान है इसकी कि आपको कैसे पता चले। तो मेरा जो वाटर है वो रेडी है, तो आप चाहे तो इसे स्ट्रेन कर लें, लेकिन मैं ढक्कन की हेल्प से ही इस वाटर को सेपरेट कर लूँगी। अगर इसमें क्यूमिन सीड्स जा रहे हैं, यानी कि जीरा जा रहा है, तो उसे जाने दीजिए, बट पालक और हरे धनिया को आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो पीने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जीरे को आप नॉर्मली पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाटर को ले रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने, मेरा वाटर स्ट्रेन हो गया है। अब मैं इसमें नींबू की स्लाइसेस और अदरक की स्लाइसेस डालूंगी। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि लेमन में भी बहुत फाइबर्स होता है, पालक में भी बहुत फाइबर होता है, और अदरक जो है वो आपकी स्वेलिंग को कम करेगी, आपके आपकी बॉडी में जो, तो अदरक आपकी बॉडी में आपकी स्वेलिंग को कम करेगा, आपके वाटर रिटेंशन को कम कर। उसके बाद मैं इसमें लगभग 2 लहसुन डालूँगी, यानी कि
उसके बाद मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर लूँगी। फ्रेंड्स एप्पल साइडर विनेगर में भी बहुत फाइबर होता है, तो यहाँ पे ये देखिए आपको इसके ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड करूँगी, जो फैट बर्नर का प्रोसेस बहुत ही हाई कर देगा आपकी बॉडी में। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं इसमें लगभग पिंच काला नमक डालूंगी, यानी कि ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, और इसके बाद सबसे लास्ट में जब ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा रहे, ठंडा हो जाए मींस, तो आपको इसमें इसबगोल भूसी ऐड करनी है लगभग 1 टेबल स्पून। तो ये आपका डिटॉक्स ड्रिंक रेडी है। आपको इसे हल्का सा गर्म ही पीना है, तो ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करेगी और आपके बॉडी में सारी नेचुरल चीज़ों के साथ मैंने ये ड्रिंक रेडी किया है। इसे कैसे लेना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई हैं, ट्राई जरूर करिएगा और नए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। जिनको भी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मेरे नए चैनल पर है, बिकॉज़ मैं अपने मेन चैनल पर फिर सिर्फ हेल्थ, वेट एंड इन सारी चीज़ों पे बात करना पसंद करूंगी। तो नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।